कैसे इंडिया के शरारती शिनचैन को फॉरेन में इंटेलिजेंट दिखाया जाता है, डोरेमोन को दूसरे देशों में कैसे दिखाया जाता है, और क्यों टॉम एंड जेरी को बस इस मामूली सीन की वजह से एक टाइम पर पूरे इंडिया में बैन कर दिया गया था। और भी चीजें जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 10 टॉय स्टोरी। आपने बस लाइटियर नाम के इस कैरेक्टर को देखा होगा, इसके पीछे ये अमेरिकन फ्लैग को दूसरे देशों में निकाला गया है। वो जानते हैं कि अगर अमेरिका का फ्लैग उसके पीछे से नहीं हटाया जाएगा तो कुछ कंट्री में ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है और टॉय स्टोरी कुछ कंट्री में बैन तक हो सकती थी। इसके बाद उन्होंने सोचा कि हर एक कंट्री का फ्लैग उस कंट्री के हिसाब से पीछे लगाना है, लेकिन इसमें काफी मेहनत और खर्च लगने वाला था, इसलिए उन्होंने पीछे फ्लैग की जगह पर अर्थ को लगा दिया, जिससे उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। नंबर 9 इंडिया के डोरेमोन और यूएसए के डोरेमोन में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर कई सारी चीजों को एडिट किया जाता है, जिससे करेंसी, फ्लैग, डोज, चम्मच, यहाँ तक के नाम को भी। यहाँ डोरेमोन के कैरेक्टर्स के नाम भी बहुत अलग है। यहाँ सुनियो का नाम है स्नीच, जियान का बिग जी, उसकी बहन जाइको का लिटिल जी, तमाको का टैमी, सेवाशी का सोबी और डीकी सुकी का एस। नंबर 8 कोरिया के लोगों के लिए शिनचैन भगवान के समान है। शिनचैन को कोरिया में शिन जांगू के नाम से लॉन्च किया गया था, जिससे पूरी दुनिया में शिनचैन को शरारती दिखाते हैं, वैसा कोरिया में नहीं है। यहाँ पर शिनचैन बहुत ज्यादा सेंसर्ड है और यहाँ ऐसे पार्ट से दिखाए जाते हैं जिसमें शिनचैन कुछ अच्छा काम कर रहा हो, इसलिए उनके लिए शिनचैन की इमेज और स्टोरी पूरी अलग है, क्योंकि ये चाहते हैं कि बच्चे कार्टून जैसी चीज से भी कुछ अच्छा सीख सके। नंबर 7 टॉम एंड जेरी को काफी अजीब रीजन की वजह से बैन कर दिया गया था। कई पेरेंट्स ने कंप्लेंट की थी कि टॉम एंड जेरी में बहुत वायलेंस दिखाया जाता है और उनके वायलेंस को फनी करके दिखाया जाता है, और उसी के साथ इसमें जो टॉम एंड जेरी है वो जानवर होने के बाद भी काफी अडल्टीज है और उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल किसी अडल्ट व्यक्ति जैसी है, जो कि बच्चों पर पूरा इफेक्ट डालता है, क्योंकि आखिर ये शो बच्चों के लिए ही बना है, और ये कहकर इसे बंद कर दिया गया था। नंबर 6 कार्स। कार्स 1 में हाव नाम का जो कैरेक्टर था वो हर जगह पर अलग अलग एक्सेंट में बात करता था, यानी कि लैंग्वेज चेंज करना तो दूर की बात है, यहाँ एक्सेंट भी चेंज किया गया है, जिससे यूके और अमेरिका में इंग्लिश ही है लेकिन अलग अलग एक्सेंट में। और कार्स 2 में जेफ गॉट नाम का एक कैरेक्टर है, जिसे कंट्रीज के हिसाब से उनके फेमस रेसर से चेंज किया गया है, जिससे स्पेनिश वर्जन में जेफ बन जाता है फर्नांडो अलोंसो, और इस कैरेक्टर को स्पेन के 2 times फॉर्मूला 1 चैंपियन फर्नांडो अलोंसो ने दिए, और चाइना में तो ये कार पूरी चलती फिरती चाइना का फ्लैग बन जाती है। नंबर 5 कोको। कोको ये पॉपुलर एनिमेटेड म्यूजिक का फिल्म का नाम ही ब्राजील में चेंज करना पड़ा, पर अब ऐसा क्यों? दरअसल कोको का मतलब ब्राजील में पूप होता है, जिसकी वजह से इसका नाम चेंज करके वीवर रखना पड़ा, और साथ में कोको फिल्म जिस कैरेक्टर का नाम मामा कोको था उसे भी चेंज किया गया, वरना सोचिए ये ब्राजील के लोगों के लिए इमोशनल से सीधा एक फनी फिल्म बन जाती। नंबर 4 पैराडाइज फॉल्स। इस फिल्म को लोगों के अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए कई चीजें कंट्री के हिसाब से बनाई गई, ताकि इंग्लिश ना जानने वाले लोग भी इसका मतलब समझ सके। यूएसए के बाहर हर जगह पर इस मूवी में ये ड्राइंग इस्तेमाल की गई थी। इसके बाद इस मूवी की माई एडवेंचर बुक भी हर एक रीजन के साथ अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई, जैसे कि जापानीज, फ्रांस और पोलैंड। इसकी कोई नीड नहीं थी, लेकिन वो ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहते थे। नंबर 3 मुआना। इंडिया में मुआना तो इटली में ओशियाना और ग्रीस में वायना। इस मूवी का नाम जगह देखकर क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। दरअसल इटली में मुआना नाम की एक बहुत फेमस स्टार है, जो कि अपने पॉलिटिकल और मूवी करियर की वजह से काफी कॉन्ट्रोवर्सी में है, तो इस वजह से कहीं फिल्म को हेट ना मिल जाए इसलिए इसका नाम ओशियाना रख दिया गया। इसी के साथ इटली में मुआना नाम का एक ट्रेडमार्क भी है, तो वो नहीं चाहते कि कोई भी लीगल प्रॉब्लम आए, और ग्रीस में भी यही प्रॉब्लम थी, यहाँ पर मुआना नाम का एक ट्रेडमार्क था, इसलिए उन्होंने नाम चेंज करके वाइना रख दिया। मगर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसे नॉर्मली ही रहने दिया गया। नंबर 2 ज़ूटोपिया। इस फिल्म में एक टीवी न्यूज है जिसमें 2 एंकर है, एक है स्नो लेपर्ड जो हर जगह पर सेम है, लेकिन जो दूसरा एंकर है वो जगह जगह पर अलग दिखता है, और यहाँ टोटल 6 अलग अलग कैरेक्टर यूज किए गए हैं। एक है ये जिसे यूएस और कनाडा जैसी कंट्रीज में दिखाया गया था, फिर आता है ये जिसका नाम सिर्फ यूके में चेंज किया गया था, फिर जापान में यहाँ पर टनुकी नाम का एक जानवर यूज किया गया है जो कि जापान में पॉपुलर है, फिर ब्राजील में जैगुआर को यूज किया गया था, और लास्ट में यूज किया गया था चाइना में पांडा, क्योंकि आपको पता ही होगा चाइना और पांडा का रिश्ता काफी पुराना है। बोनस फैक्ट, चाइना वाले तो ये भी दावा करते हैं कि दुनिया में जितने भी पांडा है वो उनके हैं, बस उन्होंने सब देशों को पांडा कर्ज पर दिए हुए हैं। नंबर 1 रैकेट राल्फ। इसमें एक रेसर गर्ल है जिसका नाम उन्होंने पूरी दुनिया में मिंटी ज़ाकी दिया था, वो खासकर जापान के फेमस एनिमेशन लेजेंड हायो मियाज़ाकी को ट्रिब्यूट देना चाहते थे, लेकिन इससे जापान को कुछ प्रॉब्लम हो गई और उन्होंने इस कैरेक्टर को पूरा ही बदल दिया और उसका नाम उन्होंने मिंटी साकुरा रख दिया। पूरी दुनिया में इसका नाम मिंटी ज़ाकी है, लेकिन बस जापान के लिए ये खास किया गया, वहाँ पर इस कैरेक्टर का नाम मिंटी साकुरा है, और ये कैरेक्टर काफी अलग भी दिखती है। आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो शायद आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, और आगे भी बिना किसी फालतू इन्फो के बिना स्किप किए वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।